Dear modern stars, today you will write question and answer of chapter 11. Name age. Name is Jahangir and Shahzan. So student, take your history civics book and open chapter 11. Name is Jahangir and Shahzan. And students, open page number 122. Write question and answer of this chapter. Okay. So question number 61 is... Note down first question. Okay, question number one. Write a note on the military success under Jahangir in your own words. Write a note on the military successes under Jahangir in your own words. Yani ki अपने शब्दों में जो भी मिलिट्री की सफलताएं हैं जहांगीर के अंडर कंट्रोल में जिस टाइम पर जहांगीर का रूल था, तो जो भी उनकी सफलताएं थीं, जो उनकी मिलिट्री सक्सेसेस थीं, जो भी सफलताएं थी, में लिखना है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नोट डाउन आंसर. पॉइंट नंबर वन. ओके, मेवाड़ फर्स्ट पॉइंट है. मेवाड़. ओके, दिस इज आंसर नंबर 61. ओके, सो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट इज मेवाड़. सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए मेवाड़. राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़ हैड रिफ्यूज टू सबमिट टू द मुगल एम्परर. ओके, यानी कि राणा अमर सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे, राणा अमर सिंह ने मुगल एम्परर के प्रति जो है अपने आप को उनके प्रति समर्पित करने से इनकार कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था. राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़ हैड रिफ्यूज टू सबमिट टू द मुगल एम्परर, फुल स्टॉप. जहांगीर इंडीड ऑलमोस्ट अ सेंचुरी लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट मेवाड़ बाई डिफीटिंग हिम इन बैटल. जहांगीर इंडीड ऑलमोस्ट अ सेंचुरी लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट मेवाड़ बाई डिफीटिंग हिम इन बैटल एंड फोर्सिंग हिम टू एक्सेप्ट द सुजरेंटी ऑफ द मुगल एम्पायर. ओके, यानी कि राणा अमर सिंह ने मुगल एम्परर के प्रति, एम्पायर के प्रति, मुगल एम्परर के प्रति अपने आप को सबमिट करने से इनकार कर दिया था. इसलिए जहांगीर ने एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जो है मेवाड़ के अगेंस्ट उन्होंने जो है पराजित कर दिया था एंड फोर्सिंग हिम टू एक्सेप्ट, और राणा अमर सिंह को फोर्स किया था कि वो मुगल एम्पायर की सुजरेंटी यानी कि उनके स्वामित्व को स्वीकार कर ले. ओके, तो उन्होंने वो जो है वाई फोर्सफुली स्वीकार भी किया था. तो एक ये सक्सेस हो गया. वन टू डेक्कन. ओके, इसको डेक्कन बोलते हैं, डेक्कन. जहांगीर ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सटेंड द मुगल रूल इन द डेक्कन. ओके, यानी कि जहांगीर अपने राज्य को, मुगल एम्पायर को, मुगल रूल को दक्षिण साउथ में भी बढ़ाना चाहते थे, डेक्कन में भी बढ़ाना चाहते थे. ओके, जहांगीर ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सटेंड द मुगल रूल इन डेक्कन, फुल स्टॉप. ही सेंट प्रिंस खुर्रम टू रिकैप्चर अहमदनगर फोर्ट. इसलिए उन्होंने प्रिंस खुर्रम को भेजा. ओके, कहां? अहमदनगर के फोर्ट को रीच कैप्चर करने के लिए. खुर्रम वॉज सक्सेसफुल इन रिकैप्चरिंग इट. खुर्रम वॉज सक्सेसफुल, और खुर्रम जो है सफल भी हुए थे इन रिकैप्चरिंग इट, इसको जो है रिकैप्चर करने में. नेक्स्ट, कांगरा. जहांगीर सेंट एन एक्सपेडिशन टू रिकैप्चर द फोर्ट कांगरा. ओके, जहांगीर जो है उन्होंने कांगरा के किले को कैप्चर करने के लिए एक्सपेडिशन भेजा, यानी कि सेना भेजी. जहांगीर सेंट एन एक्सपेडिशन टू कैप्चर द फोर्ट एट कांगरा, फुल स्टॉप. द फोर्ट वॉज सक्सेसफुली कैप्चर्ड आफ्टर अ शॉर्ट सीज. ओके, द फोर्ट यानी कि किला जो है वॉज सक्सेसफुली कैप्चर्ड, सफलतापूर्वक जो है कैप्चर किया गया था आफ्टर अ शॉर्ट सीज. एक शॉर्ट सीज करने वाले यानी कि उसको अपने जीतने के बाद उसको अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल.
Many rebellions took place in the Bengal region towards the end of Akbar's reign. ओके यानी कि बहुत सारे विद्रोही रिवेलियंस जो है स्टार्ट हो गया था, यानी कि विद्रोह स्टार्ट हो गया था बंगाल में, बंगाल रीजन में, जब अकबर का जो शासन था उसका जब अंत हो गया था उसके बाद. फुल स्टॉप. मैनी रिवेलियंस टुक प्लेस इन द बंगाल रीजन टुवर्ड्स द एंड ऑफ अकबर्स रेन. फुल स्टॉप. जहांगीर पोस्टेड स्माल खान टू बंगाल आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन. जहांगीर पोस्टेड इस्माल खान टू बंगाल आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन. फुल स्टॉप. इस्माल खान हैंडल्ड द सिचुएशन विद एन एवल हैंड एंड ब्रॉट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल फर्मली अंडर मुगल रूल. ओके जहांगीर पोस्टेड इस्माल खान टू बंगाल, यानी कि बंगाल में उन्होंने इस्माल खान को भेजा. ओके किसके लिए? आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, यानी कि जहांगीर के एज अ रूलर बनने के बाद, सिंहासन यानी कि जो तख्त को संभालने के बाद. ओके तख्त मीन्स होता था सिंहासन, राज्य को संभालने के बाद स्माल खान हैंडल द सिचुएशन, उन्होंने जाकर के बंगाल की सिचुएशन को संभाला एक एन एवल हैंड, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाते हुए. ब्रॉड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल फर्मली अंडर मुगल रूल. इसके बाद जो है वो कंप्लीटली जो है बंगाल का ईस्टर्न पार्ट भी मुगल रूल के अंडर में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, नोट डाउन क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट रोल डिड नूर जहां प्ले ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन, यानी कि जिस समय जहांगीर का शासन था उस समय नूर जहां ने क्या रोल प्ले किया था, कौन सी मतलब इट मीन स्थान था, उन्होंने जो भी रोल प्ले किए उनके बारे में लिखना है. व्हाट रोल डिड नूर जहां प्ले ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन. ओके यानी कि जहांगीर्स के शासन के दौरान नूर जहां ने कौन सी भूमिका निभाई थी, यानी कि किस रोल को प्ले किया था या उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके गुड. नूर जहां प्लेड अ विटल रोल ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन, यानी कि नूर जहां ने जहांगीर के शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था. नूर जहां प्लेड अ विटल रोल ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन. फुल स्टॉप. जहांगीर मैरिड द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट विडो ऑफ शेर अफगान मेहरुन्निसा, यानी कि जहांगीर ने शादी की थी मेहरुन्निसा से, जो कि शेर अफगान की विधवा पत्नी थी, जो काफी बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी और इंटेलिजेंट भी थी. लिसन अगेन. नूर जहां प्लेड अ विटर रोल ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन. फुल स्टॉप. जहांगीर मैरिड द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट विडो ऑफ शेर अफगान कॉमा मेहरुन्निसा कॉमा हु केम टू बी नोन एज नूर महल, जिनको नूर महल के नाम से जाना गया था. फुल स्टॉप. शी वॉज लेटर अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ नूर जहां एंड हर डिवोशन टू जहांगीर वॉज अनमैच्ड. ओके और उनका जो डिवोशन था, समर्पण था जहांगीर के प्रति, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, वॉज अनमैच्ड. फुल स्टॉप. ओके नूरजहां वॉज एम्बिशियस एंड सून गेन्ड पावर इन द मुगल कोर्ट. इसी क्वेश्चन का आंसर में लिखिए. नूरजहां वॉज एम्बिशियस एंड सून गेन्ड पावर इन द मुगल कोर्ट. फुल स्टॉप. सम हिस्टोरियंस हैव स्टेटेड दैट जहांगीर कैप्ट हिमसेल्फ अलूफ फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द स्टेट विच इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड द रेन्स ऑफ द मुगल एम्पायर into Noor Jahan's hands. Full stop. It has been said that Noor Jahan had a considerable influence on Jahangir and the matters of the Mughal court and royal household. Full stop. Noor Jahan used her position to have her father. Noor Jahan used her position to have her father, brother and other relatives in important post in the administration. Full stop. Okay.
यानी कि नूर जहां जो है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस लेडी थी और जल्दी ही उन्होंने मुगल कोर्ट में एक पावरफुल पोजीशन गेन की थी. सून गेन पावर इन द मुगल कोर्ट. सम हिस्टोरियंस हैव स्टेटेड, यानी कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जहांगीर कैप्ट हिमसेल्फ एलूफ फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के मामलों से खुद को एलूफ रखते थे, अलग रखते थे. ओके, विच इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड द रेन्स ऑफ द मुगल एम्पायर इन टू नूर जहां सैंड. इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर के जो भी इफेक्टिव जो भी पावर था वो धीरे धीरे क्या हुआ, नूर जहां के हैंड में चला गया. इट हैज बीन सेड नूर जहां हैज अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन जहांगीर, क्योंकि नूर जहां का एक कंसीडरेबल यानी कि जो है नोटिस करने वाला एक प्रभाव था जहांगीर पर. एंड द मैटर्स ऑफ मुगल कोर्ट एंड रॉयल हाउस होल्ड, यानी कि चाहे रॉयल हाउस होल्ड की बात हो या मुगल कोर्ट, उस मामले में उनका इंटरफेयर रहता था. नूर जहां यूज्ड हर पोजिशन, नूर जहां अपनी पोजिशन का भरपूर उपयोग भी करती थी. टू हैव हर फादर, यानी कि नूर जहां यूज्ड उन्होंने किया था हर पोजिशन, अपनी पोजीशन. टू हैव हर फादर, अपने फादर के लिए, ब्रदर के लिए और अपने रिलेटिव्स के लिए. किस लिए, इन इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पॉर्टेंट पोस्ट को दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पोजीशन का भरपूर उपयोग किया था. ओके एंड स्टूडेंट्स, रेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर यू विल राइट टुमारो. ओके, क्वेश्चन 4 एंड 5, सो इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास. जो भी आपने अभी क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, आपको बहुत सुंदर और साफ, नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इसको लर्न भी करेंगे. ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास एंड टेक केयर योर सेल्फ. हैव ए नाइस डे.